अलग से खींचो हरि ओम अहम सर्व मंगल्य मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते शरणांगद दीनार्द परित्राण परायणी सर्वरक्षाधिकारी देवी नारायणी नमोस्तुते सर्वमंगल्य मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके त्र्यंबके त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते शरणांगद दीनार्द पवित्रयान परायणी सर्वरक्षाधिकारी देवी नारायणी नमोस्तुते। हरि ओम दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, मेरे मित्रों नमस्कार। आज मैं अपने पैतृक गांव दौलागढ़ गोविंदपुर भगौती में आया हुआ हूँ। अपनी आराध्य देवी की, कुल देवी की, आज मैं यहाँ पर हमने पूजा अर्चना की, धूप बत्ती यहाँ पर हमने की। और दोस्तों, बहुत समय के बाद आने को मौका मिला। और गांव वालों का भी कहना था कि चाचा एक बार यहाँ का भी, हाँ यहाँ का भी वीडियो बना दिया करो। आज मौका मिला, और आज मौका मिला है। ये हमारी कुल देवी हैं और जिनका मैं आपको दर्शन करा रहा हूँ गाइस। और ये जो है हमारी कुल देवी, कुल देवी हैं। और ये मैं अपना छोटा सा अभी अपने गांव का दिखा रहा हूँ। आज मौसम भी ऐसा ही हो रहा है, मौसम बड़ा सही नहीं हो रहा। ये हमारे इष्ट देवता का मंदिर है, ये हमारा गोलू देवता का मंदिर है। ये दिखा रहा हूँ मैं गाइस, इसके अंदर दिया जला हुआ है, अभी मैं दिखा रहा हूँ गाइस आपको। और ये जो है हमारा कुल देवता का मंदिर है, जहाँ ये फल या प्रसादी रखी हुई है। ये हमारे इष्ट देवता हैं, गोलू देवता हैं हमारे। और ये हमारे काल भैरव देव हैं, भैरवनाथ हैं, काल भैरव देव हैं, और इनकी मंदिर यहाँ है। और मैं देख रहा हूँ काइज की बहुत अच्छा बना दिया है लोगों ने, यहाँ मिलजुल करके बहुत अच्छा बना दिया है। ये हमारे इष्ट काल भैरव देव हैं, आपको मैं दिखा रहा हूँ गाइज, ये काल भैरव देव हैं। और ये दिया जल रहा है, और अभी हमने यहाँ पूजा पाठ करी है। और गाइज आज बहुत अच्छा दिन है, नवरात्रि का दिन है। जब हमारे व्रत से चल रहे थे तो हमने सोचा क्यों नहीं नवरात्रि में ही जाया जाए। मौसम बड़ा अजीबोगरीब हो रहा है, देख देख रहा हूँ गाइज, आपको दिखा रहा हूँ मैं। और ये हमारा गांव है, नीचे दिखा रहा हूँ, ये हमारा गांव है, पीछे का ऐसे ही गांव है, ये हमारा गांव है गाइज, मैं आपको दिखा रहा हूँ। और हवा चल रही है, मौसम बादलों से ढका हुआ है, और ये दिखा रहा हूँ गाइज, मैं आपको देख रहा हूँ, ये हमारे गाँव का नज़ारा है। और पूरा हरा भरा है गांव, देखो पूरा जंगलों से लैस है, देखिए कितनी हरियाली यहाँ पर है। देखिए ये है यहाँ का, ये नीचे ये हमारा ऐसा ही घर है, देखिए आपको दिखा रहा हूँ गाइस, पीछे से टूटा हुआ है और टूट गया है। पहले बाली यहीं पर हमने पढ़ा था, जीवन हमारा यहाँ, जन्म हमारा यहीं हुआ, ये हमारा जन्म स्थान है, और ये हमारी कुल देवी है। और गाइस मैं आपको दिखा रहा हूँ, और ये हमारे नरसिंह देवता का मंदिर है, और अच्छा बना दिया है मंदिर, बहुत बढ़िया मंदिर बना दिया है। पहले ऐसा मंदिर नहीं था, जब मैं यहाँ पहली बार अपने पहले जब इससे पहले आया था तब ऐसा मंदिर नहीं था। वो मैं हमारी यहाँ आज श्रीमती को लेकर आया हूँ, और देख रहे होंगे आप वहाँ सामने दिख रही हैं, ये हमारी श्रीमती हैं मेरी आज, और इनके साथ जो है और यहाँ आने का मौका मिला है। और आज पूजा पाठ की है हमने गाइस। और ये हमारा नरसिंह देवता का मंदिर है, अभी मैं आपको अपने नरसिंह देवता का मंदिर दिखाता हूँ। और गाइज ये पूरा जंगल में है, और अभी सब जंगल हो गया है, रास्ता ऐसा टूट गया है। ये जो नीचे दिखा रहा हूँ गाइज, मैं आपको छोटा सा अभी करके बड़ा करके दिखाता हूँ मैं अभी। ये हमारा ये स्थान जो है, जहाँ पर ये छोटा सा दिख रहा है, ये स्थान यहाँ पर इतने बड़े, बहुत बड़े बांस के पेड़ हो गए हैं, बहुत बड़े बांस के पेड़ हो गए हैं गाइज, देखिए सब बांस के पेड़ हैं। और ये पेड़ बहुत ही इन्वायरमेंट के लिए बहुत बढ़िया है, ये इसको भी, ये भी हॉली है, इसको भी आप पीपल की तरह ही समझिए, बड़ पीपल की तरह ही समझिए। और ये भी पानी प्रोवाइड कराता है, पानी पानी खींचता है ज़मीन से। और जो है गाइस ये पूरा जंगल बाँच का ही हो गया हमारा। आप ये देखो, ये मंदिर मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैं ये मंदिर आपको मैं दिखा रहा हूँ गाइस। और ये हमारा ऊपर को जाने वाला, जंथोल को जाने वाला रास्ता था, आपकी बार में नहीं आ पाया, यहाँ बता रहे हैं कि यहाँ आप रोड आ गई है, उधर से नहीं आ पाया,
नीचे से गोविंदपुर के रास्ते भाया रानीखेत के रास्ते आया मैं, तो ये गाइज मैं आपको दिखा रहा हूँ। और ये देखिए ऐसे करके एक छोटा सा गांव पा उधर को है, और ये हवा चल रही है बिल्कुल तेज़ी से हवा चल रही है, और देखिए गाइज हवा चल रही है। और आज जो है इतवार का दिन था, तो हमने कहा आज जो है हल्द्वानी से हम चले हैं सुबह 5:30 बजे, और 9:30 के आसपास हम पहुंच गए थे गोविंदपुर, और अभी अभी हम यहीं हैं। अब थोड़ी देर में हम यहाँ से निकलने वाले हैं गाइस। और ये मैं आपको अपने मंदिर का दिखा रहा हूँ, मंदिर का ये चित्र है, मंदिर का दृश्य है, और ये गाइस मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये हमारा जो है ये हमारा नीचे ज़मीन है, थोड़ा सी ज़मीन जो दिखा रहा हूँ ये पेड़ों के नीचे, ये ज़मीन हमारी ही है। और यहाँ पर ऐसा वातावरण है, हवा हो चल रही है, ठंडा मौसम बदलाव हो रहा है, बारिश के भी योग हो रहे हैं गाई। देखता हूँ मैं अभी क्या होता है। अब मैं यहाँ से चल रहा हूँ गाई, थोड़ी देर में मैं आपको दूसरा एक अभी एक वीडियो में और बनाने वाला हूँ अपने घर के पास का, जो मेरा पैतृक गांव है। ये मेरा पैतृक यहाँ यहाँ मेरा घर है, और पुराना है, जब तक माँ थी तब तक ये घर मैं आते जाते रहता था। अभी बहुत सालों के बाद इसको आना हुआ गाई। मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ, ये नज़ारा है हमारे गाँव का, देखिए आप, मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाह रहा हूँ। ये नज़ारा है, ये मंदिर है, ये हमारा नज़ारा है, ये रास्ता बना दिया है, बहुत अच्छा बना दिया है। मतलब देखिए मैं अभी ऐसे घुमा के दिखा रहा हूँ आप गाइज, आपको ऐसे बना दिया है ये बहुत सुंदर बना दिया, पहले ऐसा नहीं था। और अब जो है जिसने भी बनवाया, सभी लोगों को मेरी ओर से भूरी भूरी प्रशंसा, धन्यवाद, अच्छा किया उन्होंने, बहुत बढ़िया ये काम किया है। और अभी इतनी जगह है, यहाँ पर नल भी लगा दिया गया है, क्योंकि भक्त लोग आए हैं तो, और वो जो है यहाँ पर जल चढ़ाएं। और ये हमारी धुनी है गाइज, ये बहुत पुरानी धुनी है जिसका मैं आपको दर्शन करा रहा हूँ। ये बहुत पुरानी धुनी है, इसमें हमारे देवता जब कभी अवतरित होते थे तो इसी धुनी के आगे पीछे, इसी धुनी में से अवतरित होते थे। और ये गाइज मैं आपको दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा और दिखा देता हूँ, ये हमारा गाँव का नज़ारा है, ये देखिए मैं दिखा रहा हूँ, ये नीचे को अभी जा रहा हूँ मैं थोड़ी देर में। और ये देखिए हवा चल रही है, और बढ़िया मौसम हो रहा है, मौसम ने बड़ा रोमांटिक मौसम हो रहा है। और देखिए मैं गाइस आपको दिखा रहा हूँ दूर दूर तक, जहाँ तक आप देख सकते हैं, चारों तरफ पहाड़ियों के बीच में हमारा गांव है, और ये भी पहाड़ी है, जिस पहाड़ी को मैं दिखा रहा हूँ ये भी एक पहाड़ी है। देखिए गाइस ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मेरा गाँव है, और ये घर है जो टूटा है, अभी देख रहे हैं टूट गया है। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ गाइस, और आज मैं अपने गाँव में आया।